एक बार जरा रिलायंस को रिविजिट करते हैं फिर से, क्योंकि रिलायंस निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आई है एक बार। कल रिलायंस बाय द एंड सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था अपसाइड पर, आज रिलायंस देखिए करीब करीब 23 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है डाउन साइड पर। इस पर एक और चार्ट चेक हो जाए जरा एक बार इस पर। राजेश सतपुते, क्या व्यू होगा रिलायंस को लेकर? जी देखिए, हाँ आज प्रॉफिट टेकिंग तो डेफिनेटली दिख रही है और कहाँ तक आ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो ब्रेकआउट का लेवल है वो लेवल है इसका करीबन करीबन 2585 फ्यूचर में। मुझे लगता है ये 2580 2590 की ट्रेजेक्टरी को एक बार के लिए हिट करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट टेकिंग, क्योंकि ये जो लेवल है ये फिर से सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा काउंटर। तो मेरा जो रहेगा वो व्यू बाय वन डिप का ही रहेगा। तो इस लेवल के आसपास मुझे लगता है यहाँ पे बाय ही करना चाहिए। और मुझे लगता है आज का दिन थोड़ा पॉज लेगा क्योंकि आईटी लीड ले रहा है, तो यहाँ पे रिलायंस प्रोबेबली कूल ऑफ होगा। रिलायंस कूल ऑफ होता है, याद रखिएगा। ये रिलायंस का डिस्कशन अनुज ने या फिर मैं भी अगर कर रहा हूँ तो सिर्फ इंडेक्स का प्रोस्पेक्टिव समझने के लिए, अभी कोई ट्रेड व्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है। रिलायंस बैक फुट पे, लेकिन कभी भी कोई ट्रेड लें सिर्फ डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन सीएनबीसी आवास का रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कंप्लीटली बैक फुट पे इंडाइसिस आते हुए, और अच्छा भी है। देखिए जब तक रिट्रेसमेंट नहीं आएगा तो तब तक बता डे ट्रेडर्स के ट्रेडेबल बनेगा भी नहीं।